नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर के क्या बहुत बड़ी गलती कर दी है? 2 एनालिसिस हो रही है। पहली ये कि प्रधानमंत्री मोदी की जो इमेज है उससे विपरीत जाकर के उन्होंने काम किया है, यानी कि अभी तक का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो फैसला लेते हैं उसे पलटते नहीं हैं, चाहे गलत हो या सही हो। नोटबंदी से लेकर के GST तक आप आकलन कर लीजिएगा और इन 3 कृषि कानूनों को लेकर के भी आकलन कर लीजिएगा। और दूसरी बात, एक तो इसकी एनालिसिस हो रही है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, और दूसरी बात अब ये उठी है कि शाहीन बाग आंदोलन आपको याद है ना, CAA नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था, कोरोना की वजह से किसी तरह खत्म हुआ था, उसको फिर से शुरू करने और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर के क्या आंदोलन खड़ा होने वाला है, कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट चल रही है। राजनीति हो या सामान्य जीवन, जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो चौतरफा वार होता है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब वो चीन के बॉर्डर पर गए थे और चीन से तनाव चल रहा था, तब उन्होंने भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया था कि एक तरफ वो प्रेम स्वरूप है, दूसरी तरफ उनके हाथ में सुदर्शन है। यानी कि यदि आप शांति चाहते हैं तो बलवान बनिए, मजबूत बनिए, कमज़ोर की कोई मदद नहीं करता। ये मेरे शब्द और वाक्य नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला वापस लेकर के राजनीतिक कमजोरी का परिचय दिया है, या जो देख रहे हैं वो इबारत दीवार पर लिखी हुई या नुकसान का अंदेशा, उसके मद्देनजर उन्होंने ऐसा किया है? पश्चिम के अखबारों ने, यानी कि विदेशी मीडिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि इमेज के विपरीत जाकर के पीएम मोदी ने काम किया है। अब बात करते हैं CAA की। जमीयत अध्यक्ष है मौलाना मदनी, उनका कहना यह है कि जैसे कृषि कानूनों को वापस लिया, वैसे ही CAA को भी वापस लिया जाना चाहिए जो उन्होंने पास किया था। उसमें क्या था, 6 धर्म के लोगों को भारत आने पर नागरिकता की बात थी और उसमें मुस्लिम शामिल नहीं किए गए थे। इसी बात का विरोध हो रहा था कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है, भला ऐसे कैसे कर सकता है। उधर 370 जहाँ पे कि सीमांकन का काम चल रहा है, डिलिमिटेशन का काम चल रहा है, और बराबर वहाँ से मांग उठती रही है कि 5 अगस्त 2019 को जो मोदी सरकार ने फैसला किया था कि 370 को ख़त्म कर दिया था, यानी कि जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, वो एक ही झटके में ख़त्म कर दिया था, उसकी भी बहाली होनी चाहिए। दोनों को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो ये वापस लेकर के महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ठीक है, उसका स्वागत, ये वोट की मजबूरी में मोदी ने ऐसा किया है। ये भी ये महबूबा मुफ्ती ने ही नहीं बल्कि सभी ये कह रहे हैं, जो विपक्षी दल हैं। महबूबा मुफ्ती ये भी कह रहे हैं कि 370 जो ख़त्म किया गया था वो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए और उसको खुश करने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन अब पीएम मोदी को ये भी करना होगा। कहने का मतलब कि ये जो दो विवादास्पद फैसले हैं, विवादास्पद किस लिहाज से, जो कि एक वर्ग विशेष को पसंद नहीं है, क्या उसको लेकर के आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है? तो दो तीन तरह की बातें चल रही है। एक तो ये कि किसानों ने ये लगभग साफ कर दिया है कि जब तक संसद में पारित नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मीटिंग चल रही है, फैसला होता रहेगा, लेकिन उनका जो भाव है वो साफ सामने आ चुका है। दूसरी बात कि वो MSP को लेकर के भी अड़े रह सकते हैं, और मांग तो सरकार मान लेगी, लेकिन MSP में उसको दिक्कत है, अड़े रह सकते हैं। तो क्या यही आंदोलन अभी विपक्ष चाहेगा कि लंबा खींचे, पर्दे के पीछे से इसके लिए कोशिश होगी? एक मुसीबत खड़ी हो रही है। दूसरी बात कि क्या CAA को लेकर के फिर से आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि ये ताकतें फिर से एक्टिव होने लगी है और मोदी ने जो फैसला किया है, पार्टी का ही एक वर्ग विशेष इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के सामने बोलने की किसी की हैसियत नहीं है, क्योंकि इससे उनके इमेज को डेंट लगा है। और उधर 370 की बहाली को लेकर के भी, चाहे उमर हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, जो भी राजनीतिक दल हैं, जो उनका वोट बैंक है, उसको संभालने के लिए ये मांग करते रहे हैं और फिर से करेंगे, ये मांग जोर पकड़ सकती है। इधर BJP की स्थिति ये है, चाहे प्रवक्ता हो या बड़े नेता, ये जो है इनसे अभी बोलने को मना किया गया है। किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी मंत्री ने, सिवाय इससे कि पीएम मोदी की बात का समर्थन किया है, फैसले का स्वागत किया है, इसके आगे एक शब्द नहीं बोला है। कौशल किशोर है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि CAA की वापसी की मांग करना या कि उसको निरस्त कर दिया जाए, ये यदि कोई सोच रहा है तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो खैर, ये तो उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पे BJP की तरफ से इस पूरे आंदोलन और पूरे किसान कानून
कि वापसी को लेकर के कोई बयान नहीं है, सिर्फ स्वागत के अलावा। क्या है बीजेपी की रणनीति? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं? एक वो वोट बैंक जो कि उनके कड़े फैसलों के साथ खड़ा था, वो क्या सोच रहा है? क्या उसकी नाराजगी उन तक पहुंच रही है? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या ये आंदोलन जोर पकड़ेगा जो दूसरे आंदोलन दोनों हैं? इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।